गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नेहरू सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कक्षा 10 में अपनी त्रिकोणमिति चल रही थी, बहुत दिनों से चल रही है और सभी प्रश्नावलियों के सभी सवाल लगभग मैंने करा दिए हैं। लास्ट के 3-4 सवाल बचे हुए हैं, वो मैं आपको कराता हूँ और इसी के साथ आज हमारी त्रिकोणमिति समाप्त करेंगे। तो देखिए, जैसे एक सवाल है 15वां, साइन 3 थीटा बराबर कोस थीटा माइनस 6। यह 3 थीटा और थीटा माइनस 6 न्यून कोण है। यहां 3 थीटा एवं थीटा माइनस 6 न्यून कोण है, न्यून कोण है। तो थीटा का मान ज्ञात करो, तो आपको थीटा ज्ञात करना है क्या होगा। यहां पर क्या है साइन, यहां पर क्या है कोस, न्यून कोण है मतलब 90 से छोटा है, तो कौन सा सूत्र लगा सकते हैं हम 90 माइनस का। तो आप लिखेंगे, बोलिए, साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा। साइन थीटा को मैंने क्या बता दिया, कोस 90 माइनस थीटा। इधर ऐसे कैसे रखना है, क्यों रखना है ऐसे कैसे, ताकि तुलना कर सके। इधर भी कोस आ गया, इधर भी कोस आ गया। ध्यान रखना, कोस से कोस कभी कटता नहीं है, तुलना की जाती है। तो आप लिखेंगे, तुलना करने पर, दोनों का कंपैरिजन करो, तुलना करने पर 90 माइनस 3 थीटा बराबर थीटा माइनस 6। पक्षांतरण कीजिए, माइनस के 3 थीटा, माइनस का थीटा, थीटा इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 6 और माइनस का 90। तो क्या हुआ, माइनस 4 थीटा बराबर माइनस 96। माइनस के 90 और माइनस के 6 कितने होते हैं, माइनस के 96। इसलिए थीटा बराबर माइनस 96 बटे 4, तो 24 चौक 96, तो थीटा बराबर 24 डिग्री। वैसे इसका पक्षांतरण बजाय ऐसे के, यहां से आप ऐसे करें तो ज्यादा बढ़िया है। कैसे, 90 माइनस 6, 6 को इधर लिया है, 90 प्लस 6 बराबर थीटा प्लस 3 थीटा। जरूरी नहीं है थीटा बाई तरफ हो, दाई तरफ भी हो सकता है, तो इससे क्या है, माइनस की गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। तो 96 बटे 4 बराबर थीटा, यानी कि थीटा बराबर 24। पक्षांतरण इस प्रकार करें तो ज्यादा बेहतर। सवाल नंबर 16, प्रश्न संख्या 16, एच डब्ल्यू में बिल्कुल ऐसा कैसा है, तो उसमें आप बाएं पक्ष को बदल देंगे, sec 5 थीटा क्या हो जाएगा, cosec 90 माइनस 5 थीटा, तो उसकी तुलना कर लेंगे जैसे अभी की है। सवाल नंबर 17, त्रिकोणमिति की प्रश्नावली का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, पूरी प्रश्नावली का बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई और आरबीएसई में 4-5 बार आ चुका है बोर्ड में। यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के अंतः कोण है, ए बी सी किसी त्रिभुज के अंतः कोण है, यह आपको दिया है, तो सिद्ध करो, तो सिद्ध करो
b plus c by 2 बराबर cot a by 2 हल करेंगे। आप लिखेंगे चूंकि ए बी सी किसी त्रिभुज के अंतः कोण है, ये त्रिभुज है, इसलिए ए प्लस बी प्लस सी, त्रिभुज के तीनों योगों का कोणों का योग क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री, इसको बोलेंगे त्रिभुज का कोण योग गुणधर्म। त्रिभुज के कोण योग गुणधर्म से क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180। अब आप प्रश्न में आ जाओ, आपको बी प्लस सी एक साथ चाहिए, तो बी प्लस सी बराबर 180 माइनस ए, क्या किया पक्षांतरण, क्या चाहिए बटे में दो, तो दो का दोनों पक्षों में भाग दे दो, बी प्लस सी बटा दो बराबर 180 माइनस ए बटा दो, दो का दोनों पक्षों में भाग देने पर तो हल करें इसको, b प्लस सी बटा दो बराबर 90 माइनस केवल a का बटा दो। अब हमें चाहिए tan, जो यहां चाहिए वो देखा करो, साइन चाहिए तो साइन लो, tan चाहिए तो tan लो, तो आप लिखेंगे दोनों पक्षों का tangent लेने पर, tan शोध करके लेने पर, त्रिकोणमिति अनुपात कौन सा ले रहे हैं हम, tan, तो ये हो जाएगा tan b प्लस सी बटा दो बराबर tan 90 माइनस a बटा दो, tan 90 माइनस थीटा, आप बोलेंगे cot थीटा, tan b प्लस सी बटा दो बराबर cot a बटा दो, यही हमें सिद्ध करना है। अगर यहां पर साइन हो तो इधर क्या आएगा कोस, क्या मिलेगा कोस, तो आप लिखेंगे दोनों पक्षों का साइन लेने पर, साइन बी प्लस सी बटा दो बराबर साइन 90 माइनस ए बटा दो, साइन का बदल जाएगा कोस, कोसेक हो तो इधर कोसेक, तो इधर मिलेगा आपको सेक, तो दोनों पक्षों का कोसेक ले लेना, तो जो ये दिया गया है त्रिकोणमितीय अनुपात वो लिया करो दोनों पक्षों का। और अंतिम सवाल इस प्रश्नावली का, कोस 2 थीटा बराबर साइन 4 थीटा, इसी के साथ अपनी त्रिकोणमिति समाप्त हो जाएगी, कोस 2 थीटा बराबर साइन 4 थीटा, और 2 थीटा और 4 थीटा, 2 थीटा एवं 4 थीटा न्यून कोण है, देखो ये न्यून कोण होगा तभी नियम लागू होगा 90 माइनस थीटा वाला, न्यून कोण है तो आप क्या लिखेंगे, आपको थीटा का मान ज्ञात करना है, थीटा हमें ज्ञात करना है, हल प्रश्न लिख रहा हूं पहले, cos 2 थीटा साइन 4 थीटा, कोस थीटा बोलिए साइन 90 माइनस थीटा, ऐसा ही होता है ना, 90 माइनस 2 थीटा जाएगा साइन 4 थीटा, दोनों तरफ साइन है, साइन से साइन कभी नहीं काटता है ध्यान रखना, तुलना करने पर ये लिखेंगे, कंपैरिजन करता है तुलना करने पर क्या आएगा, 90 माइनस 2 थीटा बराबर 4 थीटा, 2 थीटा को उधर ले जाओ, 90 बराबर 4 थीटा प्लस 2 थीटा, ये मैंने किया पक्षांतर, 90 बराबर 6 थीटा, इसलिए 90 बटे 6
बराबर थीटा या थीटा बराबर 15 डिग्री उत्तर। नाउ इट इज ओवर फॉर टुडे। ये प्रश्नावली, ये प्रश्नावली अभी समाप्त हो चुकी है। त्रिकोणमिति अभी अपनी पूरी समाप्त हो चुकी है। अभी मेरे पास 2-4-5 मिनट का समय और है आप लोगों के लिए। मैं आपको पूरी त्रिकोणमिति के सूत्र रिवाइज करवाता हूं इसी के साथ। तो देखिए, हमारी त्रिकोणमिति की सभी प्रश्नावलियां सभी सवालों के साथ संपन्न हुई, राइट? हुई नहीं हुई? हो गई। अब आपको घर पर क्या करना है, मैं आपसे बार बार कह चुका हूं, कोई क्लास वर्क नहीं, कोई होमवर्क नहीं। मैथमेटिक्स में आपको केवल एक रजिस्टर बनाना है और उसमें सभी सवाल हल करके देखने हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्रश्नावलियों के सभी सवाल मैंने आपको कराए, कोई एक आध आपको होमवर्क में दिया, बाकी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैंने कराए। सभी प्रश्न होने चाहिए। जो भी प्रश्न आपको नहीं आए, आप लोग अपना नाम लिखेंगे, कक्षा लिखेंगे, प्रश्नावली लिखेंगे और मेरे पास भेज देंगे। 24 घंटे के अंदर आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। त्रिकोणमिति में 9th क्लास में हमने पढ़ा था लाल कक्का। यहां पर L क्या है? लंब, व्हाट्सएप लैंग्वेज में। A क्या है? आधार। K क्या है? कर्ण। इस अनुपात को जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो लंब बटा कर्ण साइन थीटा, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण कोस थीटा, आधार बटा कर्ण, लंब बटे आधार टेन थीटा, लंब बटा आधार। अब आप चलिए नीचे से ऊपर की तरफ, यानी कि इसका क्रम बदल दीजिए। अब देखिए, कर्ण बटा लंब कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, कर्ण बटे आधार सेक थीटा, आधार बटा लंब कोट थीटा। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या बोलेंगे? पीबीपी एच एच बी, पी फोर परपेंडिकुलर, बी फोर बेस और एच फोर हाइपोटेन्यूस, राइट? याद रखने का तरीका, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो आप किसी भी तरीके से इसको याद करें, पीबीपी एच एच बी। तो ये क्या हो जाएगा इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए? पी बटा एच। ये क्या हो जाएगा? बी बटा एच। ये क्या हो जाएगा? पी बटा बी। ये क्या हो जाएगा? एच बटा पी। ये क्या हो जाएगा? एच बटा बी। और ये हो जाएगा बी बटा पी। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इससे डायरेक्ट तीनों सूत्र आपको याद होने चाहिए, कर्ण कैसे निकलेगा, लंब कैसे निकलेगा और आधार कैसे निकलेगा। कर्ण निकलेगा अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब निकलेगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और आधार निकलेगा अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। पाइथागोरस के तीनों सूत्रों का वर्जन आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। अब देखिए, साइन थीटा, थीटा के विभिन्न मानों के लिए, एक तो देखिए पहले व्युत्क्रम वाले सूत्र देख लीजिए, साइन थीटा कोसेक थीटा बराबर एक। तो इससे अगर आपको साइन थीटा लिखना हो तो क्या हो जाएगा, यानी कि एक बटे कोसेक थीटा को हम साइन थीटा, और एक बटा साइन थीटा को हम कोसेक थीटा लिख सकते हैं। ठीक इसी तरह से कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर एक होता है, और इनका इसी प्रकार वर्जन हो जाएगा कोस थीटा बराबर एक बटा सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर एक बटा कोस थीटा।
प्रकार tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर एक होता है, तो tan थीटा बराबर एक बटा कोट थीटा और कोट थीटा बराबर एक बटा tan थीटा। सारणी के लिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के मान आपको मैंने बनाना सिखाया था, लेकिन यह भी कहा था कि प्रैक्टिस के लिए आप लोग केवल साइन कोस टेन के मान याद कर ले, उससे सारे मान हो जाएंगे। 0, 1 बटे 2, 1 बटे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 बटा 2 और 1। क्रम बदलो, 1 अंडर रूट 3 बटा 2, अंडर रूट सॉरी 1 बटा अंडर रूट 2, 1 बटा 2 और 0। टेन थीटा क्या होगा? 0, 1 बटा अंडर रूट 3, 1 अंडर रूट 3 और अंडर। कोसेक का मान निकालने के लिए एक में इनका भाग दे देंगे, अर्थात अंश हर की जगह, हर अंश की जगह हो जाएगा। ऐसे ही सेक का करेंगे और ऐसे ही कोट का मान जो है टेन के हिसाब से करेंगे। टेन थीटा बराबर एक सूत्र होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, और ऐसे ही कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। इसके अलावा तीन सर्वसमिकाएं कौन सी है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर है एक, इससे साइन थीटा और कोस थीटा के मान आपको आने चाहिए निकालने। ऐसे ही 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इकाई ढाई सैकड़ा याद करना बताया था, बराबर सेक स्क्वायर थीटा, इससे भी आपको टेन थीटा और सेक थीटा के मान याद आना चाहिए। और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन सब समीकरण हैं, इनसे नौ सूत्र बनेंगे। कैसे? साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही टेन थीटा बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और सेक थीटा बराबर अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ऐसे ही पक्षांतरण द्वारा। इस छह सूत्र अंतिम आपके थे 90 माइनस थीटा के, वो आपको अच्छे से याद है। अब ये भी प्रश्नावली खत्म की है, आज ही खत्म की है। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, और sec 90 माइनस थीटा cos cosec थीटा। ये छह सूत्र आपके कौन से हैं? 90 माइनस थीटा के। अब मैं आपसे अंतिम और लास्ट आज का टॉपिक है, इसी के साथ त्रिकोणमिति अपनी खत्म करेंगे। बताइए sin थीटा को आप क्या क्या लिख सकते हैं? पहला लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। दूसरा एक बटा कोसेक थीटा, ये व्युत्क्रम वाला सूत्र सही है। तीसरा अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये सब सभी का सही है। और चौथा साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा। ये इस तरह से आपको सारे मान पुटअप करने आने चाहिए। ऐसे ही कोस थीटा को हम क्या क्या लिख सकते हैं? आधार बटे कर्ण, और एक बटा सेक थीटा, और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा। तो ये आपको प्रत्येक मान बदलना आना चाहिए, ये कोई खास जरूरी नहीं है। इसके सवाल तो नदी में जा चुके हैं, लेकिन अभी जो हमारे कोर्स में है ये सारणी के लिए मैं बार बार कह चुका हूं, 0, 1 बटे 2, 1 बटे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 बटे 2 और 1, ये याद रखें। इससे आप फिर कोस का क्रम बदल कर टेन का साइन में कोस का भाग देकर निकाल सकते हैं, बाकी फिर इनके व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। नाउ इट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ अपनी त्रिकोणमिति समाप्त हुई। अब अगले लेक्चर में नई प्रश्नावली, नई एक्सरसाइज, नया टॉपिक चालू होगा। धन्यवाद।